Unacademy. Let's crack it. Yeah, hi. Good afternoon, everyone. Hello. Hi, Khushi. Hi, Navya, Umang, Sahil, and everyone else. So, दोस्तों कल मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे यूट्यूब पे, ठीक है? तो आज हम उसके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे एंड आई गिव यू एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन. इनफैक्ट विल डिस्कस एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन आल्सो. ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 10 क्वेश्चन करेंगे. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 15-20 क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेजेस. जैसा कि आप सब लोग जानते हो, परसेंटेज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? जल्दी से एक बार थम्स अप दिखा दो यार. ऑडियो वीडियो सब क्लियर है दोस्तों? जल्दी से एक बार कंफर्म करो. या श्योर. सो गाइस मैं शेयर करता हूं आपके साथ में पीपीटी, ठीक है? या जस्ट अ मोमेंट. आप लोगों ने ट्राई किए क्या वो क्वेश्चंस दोस्तों? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर लो. हैव यू ऑल ट्राइड दोस क्वेश्चंस? ग्रेट, ओके, श्योर. सो लेट्स गो अहेड एंड हियर कम्स द पीपीटी. उसमें से कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे, ठीक है? मतलब लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. हाँ तो एक बार पोल कर दे इसके लिए. प्लीज सेलेक्ट योर आंसर इन द पोल. In an election between two candidates X and Y, 3/5 of the voters promise to vote for X and the rest for Y. Out of this, on the last day, 15% of the voters of X went back on their promise to vote for X and instead voted for Y. Similarly, 25% of the voter. So guys, ये आसान सा सवाल है. Definitely, ये easy सवाल है. Simple calculation करने और ऐसे question बिल्कुल miss मत करना. चलो देखते हैं. सो 50% स्टूडेंट्स ने सही सॉल्व किया है. लेट्स अंडरस्टैंड दोस्तों, दो कैंडिडेट है एक्स एंड वाई. एवरीवन पे योर अटेंशन. अब यहाँ पे देखो मुझे क्या कहा है कि 3/5 ऑफ द वोटर्स प्रॉमिस टू वोट फॉर एक्स एंड द रेस्ट प्रॉमिस टू वोट फॉर वाई. तो मैं टोटल वोट्स 100x ले लेता हूँ, ठीक है? या कुछ अलग नंबर ले सकते हो. तो एक्स को कितने लोगों ने वोट किया होगा? 3/5 लोगों ने. मतलब कितने लोगों ने प्रॉमिस किया था कि भाई हम तुम्हें वोट करेंगे? तो 3/5, तो ये 60x आ जाएगा. बाकी के 40x ने y को प्रॉमिस किया था. ये समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है? अब आगे क्या लिखा है? आउट ऑफ दिस ऑन द लास्ट डे 15% ऑफ द वोटर्स ऑफ x वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस एंड वोटेड फॉर y. सो गाइस व्हाट इज 15% ऑफ 60x? तो कैन आई से 15 6 90 होता है, तो ये 9x हो जाएगा. 9x वोटर्स ने x की जगह पे y को वोट किया. क्या ये समझ में आया? सिमिलरली 25% ऑफ वोटर्स of y went back on their promise. तो इसका 25% कितना होगा दोस्तों? 10x होगा कि नहीं? तो 10x voters ने y की जगह पे x को वोट किया. क्या ये समझ में आ रहा है? तो इफेक्टिवली x को कितने वोट्स मिले होंगे? कहने से 61x एंड y को कितने मिले होंगे? 39x मिला कि नहीं? गाइस ये डिफरेंस कितना हो गया? 22x. यस. और यहां पे क्या लिखा है कि बिकॉज ऑफ दिस x won by 22 votes.
तो गाइस ये जो है वो सीधा सीधा 22 दिया है, तो x हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हमारा सवाल क्या है वो देखो, द टोटल नंबर ऑफ वोट्स फॉर x इज, तो x को टोटल 61x वोट मिले, x तो आपका 1 है तो कह रहे थे x को फाइनली 61 वोट्स मिले होंगे। वाजंट दैट अ वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, डू यू ऑल अग्री, है ना? तो ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व करने होंगे इनिशियल फेज में। और वही ध्यान रखना है कि यार गलती ना हो जाए, 15% ऑफ 60 निकालना है तो 9 ही आना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चलो प्लीज ट्राई फॉर दिस गाइस। यहां पे एक छोटा सा करेक्शन था, एंड सम मोर ऑन फूड होना चाहिए, एंड रिमेनिंग ऑन फूड नहीं हो सकता, एंड सम मोर ऑन फूड होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सही होगा, ठीक है? और ये अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको। मैंने देखा था किसी एक स्टूडेंट ने 7-8 क्वेश्चन सही सॉल्व करके उधर कमेंट्स में डाला हुआ है, वीडियो के कमेंट में डाला हुआ है, दैट्स अ गुड थिंग, ऐसे ही सॉल्व करते रहो यार। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन को दोस्तों, क्या आप सब लोग अग्री करते हो कि मेरी जो टोटल इनकम होती है, राइट, मेरी जो टोटल इनकम होती है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, टोटल इनकम इज इक्वल टू स्पेंड प्लस सेविंग्स, यस और नो, है ना? अब यहां पे क्या लिखा है कि ही सेव्स 1/3 ऑफ द अमाउंट ही स्पेंड्स, ठीक है, he saves 1/3 of the amount he spends, मतलब अगर वो 75x spend करता है तो save कितना करेगा, 25x करेगा, ठीक है? तो guys मैं total यहाँ पे 100x ले लेता हूं। अब आप कहोगे सर ये 75x कहां से माइंड में आया, तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि अगर मैं स्पेंडिंग का 1/3 मेरा सेविंग है तो सेविंग मेरा टोटल का कितना हुआ, 1/4 हुआ कि नहीं, तो मैं 100x ले लेता हूं तो ये 25x आ जाएगा, ये 75x आएगा। क्या ये स्टेप सबको समझ में आ रहा है? आप यहां पे कोई दूसरा भी ले सकते थे, मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो, स्पेंडिंग को 30x ले लो, सेविंग को 10x ले लो, 1/3 उसका लेना है, टोटल 40x भी लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सिर्फ सिंपलिसिटी के लिए यहां पे ऐसा 100x लेके किया है, क्यों, ताकि उसके परसेंटेजेस जल्दी से निकल जाए। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें? अगर कंफ्यूजन है तो आप हैंड रेज करके सीधा बात भी कर सकते हो कि सर ये स्टेप कैसे आया, ठीक है? अब आगे का देखते हैं। अब हमें क्या कहा है कि गौरव स्पेंड्स 30% ऑफ हिज इनकम ऑन क्लोथिंग, तो गाइस क्लोथ पे वो कितना स्पेंड कर रहा है, 30x, उसकी जो इनकम है, इनकम कितनी है 100x, उसका 30% क्लोथ पे स्पेंड कर रहा है। अभी अगर 30% स्पेंड कर दिया तो इसकी इनकम बची कितनी, कहने से 70x बची है, तो ये रिमेनिंग इनकम है आफ्टर स्पेंडिंग ऑन क्लोथिंग, उसका 20% वो एंटरटेनमेंट पे स्पेंड करता है, तो इसका 20% 14x हो जाएगा, ठीक है? एंड सम मोर ऑन फूड, ठीक है? अब वो फूड पे कितना सेव कर रहा है वो हमें नहीं पता है, और उसका सेविंग्स कितना है दोस्तों, अच्छा उसका टोटल स्पेंडिंग कितना है, टोटल स्पेंड कितना है, कहने से 75x, तो ये टोटल हमारा 75 आना चाहिए कि नहीं, तो गाइस इससे हमें फूड पे मिल जाएगा, ये कितना है 30 + 14 = 44 + 31x करेंगे तो 75 हो जाएगा, तो कहने से वो फूड पे 31x स्पेंड कर रहा है और वो सेव कितना कर रहा है 25x, तो हमें क्या पूछा है, the amount spent on food is what percent of his saving, तो कहने से food पे वो 31x spend करता है, saving 25x है, तो 31x 25x का कितना percent है, तो ये solve करेंगे तो सीधा सीधा 124% आएगा कि नहीं, ये हमारा answer हो गया 124%। Are you all getting this point guys? ठीक है, तो इस तरीके से आपको question को solve करना चाहिए था। Try for this question,
I think this is an easy question. You can jaldi se karo sab log, poll mein select karo answer. राइट चलो समझते हैं इसको दोस्तों. द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एन आर्टिकल इज मेड अप ऑफ कंपोनेंट्स ए बी सी एंड डी विद कॉस्ट कंट्रीब्यूशन इन द रेशियो दिस 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 दिस. तो गाइस ए का कॉस्ट 30 रुपीज है, बी का 40, सी का 50, डी का 60. टोटल कॉस्ट आपकी कितनी हो गई है आर्टिकल बनाने में, 180 रुपीज हो गई. अब हमें क्या कहा है कि इसके अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं एंड द चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ दिस फोर कंपोनेंट्स आर 10% माइनस 20%. अगर मैं इसको 10% से इंक्रीज करता हूं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 33 हो जाएगा. इसको 20% से डिक्रीज करो, माइनस 20 मतलब डिक्रीज करना, तो ये 32 हो जाएगा. फिर थर्ड कॉस्ट को माइनस 30% मतलब 30% से डिक्रीज करो तो ये कितना आ जाएगा, 35. एंड फोर्थ को इंक्रीज करना है 40% से, तो 40% ऑफ 60 इज 24, तो टोटल 84 हो जाएगा. ये मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, कहने से रुपीज 184 आ जाएगी. ये टोटल करो जरा, क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों, है ना. तो दोस्तों अभी हमें हमारा टोटल कॉस्ट क्या है, तो कहने से 4 रुपए इंक्रीज हो गया है, तो 180 पे 4 रुपीज इंक्रीज हुआ है, तो ये परसेंटेज कितना हुआ, व्हाट इज दिस परसेंटेज, तो कहने से दिस इज 2/90. गाइस अब यहां पे देखो आपको एक चीज पता होगी कि 1/9 is 11.11%, तो 2/9 कितना होता है, कहने से 22.22%. और यहाँ पे 2/90 है तो हम एक और डेसिमल रख देंगे, 2.22% रख देंगे कि नहीं, है ना. 22.22 2/9 होता तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2.22%. समझ में आया. अब इस तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो. चलो अब आता है ये वाला क्वेश्चन, जल्दी से एक बार ट्राई कर लो इसको. ओके गाइस, राजीव बॉट 5C 7B 4M और उसके लिए सपोज उसने 100 पे किया,
तो राहुल बॉट 6 कार्स 14 बाइसिकल एंड 8 मोटरसाइकिल फॉर हाफ मोर मनी देन व्हाट राजीव पेड. मतलब इसमें उसका हाफ ऐड कर दो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा. मतलब राहुल मस्ट हैव पेड 150 रुपीस. ठीक है, अब मुझे क्या पूछा है, अमाउंट पेड बाय राहुल फॉर कार्स इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल अमाउंट पेड बाय राजीव. राहुल ने जो कार के लिए पे किया वो टोटल अमाउंट का कितना है. ठीक है, तो हमें पता है राहुल ने 60 पे किया है, वो राजीव का टोटल अमाउंट 100 है उसका कितना है ये हमें पूछा है. ठीक है, 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ 100, दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग. क्या ये समझ में आ रहा है सबको. अब हम कैसे फाइंड करेंगे इसको, तो दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहां पे है ना, आप इसको 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, 3c प्लस 7b प्लस 4m इज इक्वल टू 75. और अब ये इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा, कह रहे हैं से 2c इज इक्वल टू 25 आ जाएगा. तो कह रहे हैं से 6c विल बी इक्वल टू 75 आ जाएगा. तो यहां पे 60 की जगह पे 75 रख दो, है ना, 60 की जगह पे 75 रख दो तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 75% आ जाएगा. क्या ये समझ में आ रहा है एवरीवन. सो आंसर शुड बी ऑप्शन बी. हमने शायद गलती से ऑप्शन सी टिक किया था, इज इट करेक्ट, हमने सी टिक किया था इसमें दोस्तों पोल में, या बी ही टिक किया था, कंफर्म करो एक बार जल्दी से. या है ना, चलो ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन. Okay, so let's understand this one. If the price of ice cream increases by a quarter and Vaibhav intends to spend only an additional 15% on it, by how much percent will he reduce the quantity of ice cream he purchases? Guys, आप सबको बताएं कि expenditure is equal to price into quantity. Yes or no? दोस्तों, ये सबको पता है कि नहीं? Expenditure क्या होता है? Price into quantity. अगर सपोज वो 10 रुपए का 10 आइसक्रीम परचेस करता है तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा. जस्ट एक एग्जांपल हमने लिया. अब हमें क्या कहा है कि द प्राइस ऑफ आइसक्रीम हैज इंक्रीज बाय अ क्वार्टर, क्वार्टर मतलब 25%. तो यहाँ पे आइसक्रीम की प्राइस क्या हो जाएगी, 12.5. अभी उसको क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, हमें नहीं पता कितनी कम करनी पड़ेगी. एंड वो टोटल एडिशनल 15% ही स्पेंड करना चाहता है. तो ये जो पहले 100 रुपीज स्पेंड करता था वो 115 ही स्पेंड कर सकता है. तो x क्या आ जाएगा, कह रहे से 115 अपॉन 12.5. तो ये चेक करो, ये आ जाएगा 9.2 रुपीज. मतलब 9.2, पहले वो 10 क्वांटिटी परचेस करता था, अभी वो 9.2 केजी ही परचेस कर सकता है. तो व्हाट इज द रिडक्शन, कह रहे से दैट इज अ ड्रॉप ऑफ 8%. तो उसको 8% अपना क्वांटिटी कम करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है सबको, ठीक है. तो गाइस ये बेसिक क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. अगर आपने ये समझ लिया, अब इसको अलग अलग सिनारियो में आप डाल सकते हो, ठीक है. और जैसा मैंने हमेशा बताया कि जरूरी है, कैट में हर बार डिफिकल्ट क्वेश्चन है. जैसे दिस इज अ टफ क्वेश्चन, ये एक टफ क्वेश्चन है. हाँ डेफिनेटली अनुराग, आप क्लियर कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते भाई. ठीक है, स्ट्रैटेजी सही करो, अपनी स्ट्रैटेजी सही बनाओ.
CAT exam is not only about learning things, it's about having right strategy also. ठीक है गाइस, कल परसों मैं टॉपर के साथ में एक वीडियो कर रहा हूँ, उसने बहुत सही स्ट्रेटेजी यूज करी थी. 37 परसेंटाइल से वो 99.7 परसेंटाइल गया है. ठीक है, सो एक स्टूडेंट था मेरा, तो मुझे भी पहले विश्वास नहीं हुआ. मैंने कहा यार 37 परसेंटाइल, लकीली, लिसन टू मी, लकीली उसने सारे अपने मॉक टेस्ट के स्क्रीनशॉट के सेव करके रखे. ठीक है, तो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा ये उसकी जर्नी. उसने खुद के फोटो भी लिए थे जब वो मायूस फील कर रहा था, उसने रूम में मोटिवेशनल पोस्टर्स लगाए. तो आई विल शेयर दैट विद यू. ठीक है एवरीवन, तो वो सेशन जरूर से अटेंड करना. इनफैक्ट कैट के 2 महीने पहले उसका वीएआरसी में एक मॉक में 0 मार्क्स आया था. एक मॉक में उसका वीएआरसी में 0 मार्क्स आ गया था. फाइनल कैट में उसने 40 मार्क्स स्कोर किया है वीएआरसी में. मार्क्स, ये मार्क्स की बात है, मतलब परसेंटाइल तो उसका 99 प्लस ही चला गया. समझ रहे हो? तो गाइस जब आप सही स्ट्रेटजी यूज करते हो ना, तब आप स्कोर को मैक्सिमाइज करते हो. ठीक है, श्योर, लेट्स ट्राई फॉर दिस. जैसे मैंने कहा था कि इट्स अ टफ क्वेश्चन, आराम से सोच के ट्राई करो उसको, तुक्के मत मारना. इसके लिए हम 2 मेथड देखेंगे. ठीक है, आई विल शो 2 मेथड्स. चलो ओके. एक्स माइनस जेड, हाँ, एंड वाई माइनस जेड हमें कहा है ना, राइट. Guys, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सुनो, नहीं नहीं यश, इतना ज्यादा टाइम की जरूरत ही नहीं है. एक्चुअली समझते क्वेश्चन को, समझते फिर इसका दूसरा कोई तरीका भी देखेंगे. ठीक है, लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन. एवरीवन पे योर अटेंशन. हमें कहा है कि टोटल कितने लोग हैं, टोटल पीपल, कहना से पी है, उसमें से मेल हम अज्यूम कर लेते हैं वाई परसेंट ऑफ द मेल्स, तो मेल एम ले लेते, फीमेल F ले लेते हैं. ठीक है, फीमेल F ले लेते हैं. और हमें क्या कहा है कि X परसेंट है बोथ क्रेडिट कार्ड्स एंड मोबाइल फोन्स. ठीक है दोस्तों, तो X परसेंट ऑफ टोटल पीपल हैव मोबाइल फोन्स एंड क्रेडिट कार्ड, तो कहने से X परसेंट मतलब X अपॉन 100 इनटू P हो जाएगा. एंड आउट ऑफ P, Y परसेंट ऑफ मेल्स एंड Z परसेंट ऑफ फीमेल हैव बोथ क्रेडिट कार्ड एंड मोबाइल फोन्स. या अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज भी कर सकता हूँ ना, मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, फीमेल जो है ना मेरे F की जगह पे मैं P माइनस M भी तो लिख सकता हूँ. करेक्ट, P माइनस M ले लो, वही बेटर रहेगा. क्यों एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करें, और हमें फाइंड M का वैल्यू करना है इन टर्म्स ऑफ P X Y Z, तो हम वही करेंगे एग्जैक्टली जो आप बता रहे थे.
सो गाइस अभी टोटल कितने लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है, एक्स परसेंट ऑफ पी हैव क्रेडिट कार्ड, तो कहने से ये टोटल लोग है जिसके पास क्रेडिट कार्ड है, दिस शुड बी इक्वल टू क्रेडिट कार्ड एंड मोबाइल फोन विथ मेल्स, तो मेल में कितने परसेंट लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है, वाई परसेंट ऑफ एम मतलब वाई अपॉन हंड्रेड इंटू एम प्लस जेड परसेंट ऑफ पी माइनस एम अपॉन हंड्रेड। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों, क्या ये सबको समझ में आया, एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में येस नो लिख दो। हमने पहले वेरिएबल डिफाइन किए और जैसा हमें स्टेटमेंट दिया है उसको मैंने एक इक्वेशन फॉर्म में रख दिया, परसेंटेज तो आप कैसे लिखते हो, ऐसे ही लिखते हो ना परसेंटेज। अब हमें इसको एम के लिए सॉल्व करना है क्योंकि हमें नंबर ऑफ मेल फाइंड करना है, तो सॉल्व दिस वन फॉर एम। ठीक है, तो अब ये हंड्रेड तो सीधा सीधा आपका चला जाएगा है ना। तो गाइस कैन आई से यहाँ पे xp is equal to ym plus zp minus zm, ये zp इस तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, कहने से p into x minus z is equal to ये दोनों में से m common ले लो, तो m into y minus z, तो m मेरा कितना आ जाएगा, कहने से ये इसके denominator में चला जाएगा, तो p into x minus z upon y minus z, ये आ गया option c में लिया हुआ है, correct। अब दोस्तों आप इसको है ना वैल्यू लेके भी तो कर सकते हो, आप इसको वैल्यू लेके भी कर सकते हो कि सपोज p फ्रेंड्स है, ठीक है, उसमें से सपोज मैं मान लेता हूं कि मेल कितने हैं मेरे, 50 मेल है 50 फीमेल है, आप ऐसे लेके भी तो कर सकते हो ना, 50 मेल 50 फीमेल ले लो। सपोज यहाँ पे 10% ऑफ मेल्स है क्रेडिट कार्ड एंड मोबाइल फोन, 20% ऑफ फीमेल है क्रेडिट कार्ड एंड दिस वन, तो टोटल कितने लोगों के पास क्रेडिट कार्ड एंड मोबाइल फोन हो गया दोस्तों, कहने से यहाँ पे देखो 10% ऑफ मेल्स मतलब ये कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, 5 मेल के पास है एंड 20% ऑफ 50 इज 10, तो टोटल कितना आ गया ये 15 आ गया, तो कहने से आउट ऑफ 100 15 पीपल हैव क्रेडिट कार्ड एंड मोबाइल फोन, तो एक्स मेरा क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, 15% है मोबाइल फोन एंड क्रेडिट कार्ड। दोस्तों ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ एक बार, ठीक है। अब हमारे हिसाब से मेल का वैल्यू 50 आना चाहिए, देखो मैं फिर से आपको बता देता हूं, वैल्यू बेस्ड अप्रोच अगर हम ले रहे हैं तो हमारा पी कितना हो गया 100, एक्स कितना हो गया 15, वाई कितना लिया हमने 10, जेड कितना लिया हमने 20, ठीक है, और हमारे मेल कितने आने चाहिए 50 आने चाहिए। तो गाइज ये पी एक्स वाई जेड की वैल्यू मैं कौन से ऑप्शन में रखूंगा तो मुझे एम का वैल्यू 50 मिलेगा, तो ऑप्शन आप एक एक करके ऑप्शन चेक कर सकते हो। तो यहां पे रख के देखते हैं कि 100 इंटू एक्स माइनस जेड कितना हो जाएगा, 15 माइनस 20 दैट इज माइनस 5 डिवाइड बाय वाई माइनस जेड कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 50 आ गया कि नहीं, एक ही ऑप्शन ऐसा आएगा जिसमें ये वैल्यू 50 आएगा। सो ये वैल्यू बेस्ड अप्रोच भी ले सकते हो, समझाइए वैल्यू बेस्ड अप्रोच। ठीक है, हाँ इसमें टाइम लगेगा दोस्तों, ये चीज है क्योंकि आपको ऑप्शन वेरीफाई करने होंगे, कभी कभी लकी रहे तो ऑप्शन ए और बी में से कोई एक सेटिस्फाई कर लेगा, अदरवाइज यू माइट हैव टू स्पेंड सम टाइम। ठीक है, फिर भी यार मुझे नहीं लग रहा है कि 2 मिनट से ज्यादा लगेगा आपको, आप वैल्यू लेके भी करते हो क्या इसमें 2 मिनट से ज्यादा लगेगा, प्रोवाइडेड मेरा माइंड एकदम अलर्ट है, सिंपल कैलकुलेशन मेरे माइंड में फटाफट होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने मेल 50 ले लिया, फीमेल 50 ले लिया, टोटल मेरे जो ग्रुप में लोग 100 हो गए। ठीक है, इसमें मैंने कोई वैल्यू एक्स की ले ली 10%, वाई की ले ली 20%, तो ये कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 10, टोटल 15 लोगों के पास में क्रेडिट कार्ड वगैरह है, तो x परसेंट कितना आ जाएगा आउट ऑफ 100 15 लोगों के पास है, तो ये 15% आना चाहिए। नाउ स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज एंड ट्राई टू गेट m का वैल्यू as 50, दिस इज व्हाट वी हैव डन, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। ये अच्छा एलओडी था, इसको एलओडी ऊपर ही कहेंगे, मतलब एकदम डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे बट Yes, two कह सकते हो आप moderate, and you will have to solve such question in exam. जैसे ये वाला question है यार, चलो इसका एक shortcut बता दो, पहले आप इसको खुद से try करो, फिर इसका एक shortcut देखते हैं।
Sure. Let's understand. Everyone? Yeah, just a second. ठीक है. हाँ, यहाँ पर देखो, two candidates were contesting for the post of Rotary Club Chairman. In the first round of voting, 550 members participated. In the second round, again 550 members participated. So guys, यहाँ पे two candidate है. Let's call it AB. First round, second round. ठीक है. अब हमें क्या कहा है? देखो आगे. However, the number of members opposed to the first candidate increased by 150%. Opposed to first candidate मतलब can I say in favor of second candidate, तो ये जो value है वो यहां से यहां कितना increase हुई है, 150% increase हुई है. समझ में आ रहा है ये सबको, ये 150% से increase हुई है, ध्यान रखना ये. And the combined votes of the first candidate exceed that of second candidate by 400. मतलब दोनों round के जो total votes है, अच्छा दोनों round में कितने votes हुए होंगे, can I say first round में total 550, सेकेंड राउंड में 550, तो टोटल 1100 वोट है. गाइस कैन यू डिवाइड 1100 इनटू टू पार्ट्स सच दैट डिफरेंस बिटवीन दिस टू पार्ट शुड बी 400. तो ये पार्ट क्या आएगा और ये पार्ट क्या आएगा, चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो. खाली 1100 को दो पार्ट में डिवाइड करो कि डिफरेंस आपका 400 आ जाए. और ये जो थिंकिंग है ना, ये आपको बहुत जगह पे जरूरत पड़ेगी, ये माइंड में होना चाहिए. इसके लिए इक्वेशन नहीं बनाना है. अगर आपको इक्वेशन बनाना है तो आप ऐसे लिखोगे x + y 1100, ठीक है, x माइनस वाई 400, फिर उसको ऐड करोगे, फिर डिवाइड बाय 2 करोगे. उसकी जगह पे मैं सीधा सीधा ऐसा कर सकता हूं, 1100 प्लस 400 कर दो, सीधा ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 1500 का हाफ कर दो, 750 आएगा कि नहीं, 750. दोस्तों क्या ये समझ में आ रहा है? और तो बाकी का कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा. नहीं, गलत है. उमंग टोटल करो, 300 एंड 700 का टोटल क्या 1100 हो रहा है, गलत है वो. मैं फिर से एक बार बताता हूं, देखो एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, समझ में आएगा आपको. जैसे अगर मैं कहता हूं कि 440 को दो पार्ट में डिवाइड करो कि डिफरेंस जो है ना 80 आ जाए, डिफरेंस 80 आ जाए, तो आप क्या करोगे, 440 में 80 ऐड कर दोगे, 440 में 80 ऐड कर दोगे, ठीक है, और डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 520 आएगा. 520 का हाफ कितना होता है, 260, तो एक 260 आ जाएगा और दूसरा कितना आ जाएगा दोस्तों, दूसरा 80 कम कर दो तो 180 आ जाएगा. तो कैसे 260 एंड 180 है, टू पार्ट्स. समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, जल्दी से कंफर्म करो चैट बॉक्स में, यस नो लिखो. कर सकते हो आगे से ये डायरेक्टली माइंड में. चलो, अरे यार आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो यार, थोड़ा रिप्लाई तो करो चैट बॉक्स में. आप लोगों को पढ़ा रहा हूं यार, मुझे थोड़ी ना सीखना है, तो फिर थोड़ा रिप्लाई करो चैट बॉक्स में, यस नो ऐसे किया करो यार. फिर चलो, ओके. तो गाइस यहां पे मैं क्या बता रहा था कि हमें दो पार्ट्स मिल गए, 750 एंड 350, ठीक है ना. तो इसको 750 मिला होगा, इसको 350 मिला होगा, राइट. अब सुनो ध्यान से, 350 को हमें दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है कि सेकंड पार्ट इज 150% मोर देन द फर्स्ट पार्ट. गाइस अगर मैं 100 लेता हूं, उसको 150% से इंक्रीज करूंगा तो कितना हो जाएगा, कहने से 250 हो जाएगा. 100 का 150% 150 होता है, ऐड कर दो 250 हो जाएगा. तो कहने से इसको 100 मिला होगा और इसको 250 मिला होगा, डेफिनेटली टोटल 350 आ गया. मतलब इसको फर्स्ट राउंड में 450 मिला होगा, सेकंड राउंड में 300 मिला होगा, क्योंकि टोटल तो 550 लाना है ना. पर हमें क्या पूछा है, हाउ मेनी मेंबर्स अपोज द फर्स्ट कैंडिडेट इन द फर्स्ट राउंड. तो फर्स्ट राउंड में कितने लोगों ने अपोज किया था फर्स्ट कैंडिडेट का, यानी से 100 लोगों ने अपोज किया था. ये समझ में आ रहा है, 100 कैंडिडेट ने फर्स्ट कैंडिडेट का अपोज किया, ठीक है, आंसर शुड बी 100. चलो लेट्स सी फ्यू मोर क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो नाइस क्वेश्चन, लेट्स सी कितने लोग इसको सही सॉल्व करते हैं.
Sure. Let's understand this, everyone. Mirinda made 3 mistakes in an exam and obtained 75% marks. If she had attempted 5 more questions and made 1 mistake from this 5 question, then she would have obtained 87.5% marks. Okay. If all the questions carried equal marks, then there was no negative marking for wrong answers, then how many questions were there in the exam? थोड़ा सा पढ़ने में confusion लगेगा, इसको हम थोड़ा लिख देते हैं अच्छे से. So guys, total question हमें नहीं पता है, लेकिन उसने correct mark किए, incorrect mark किए होंगे, कुछ unattempted रखे होंगे, तो यहाँ पे total question मिल जाएगा. C stands for correctly answered question, I stands for incorrectly answered question, U stands for unattempted and total marks. अब यहाँ पे देखो, there was no negative marking, मतलब जितने correct करोगे, उसका सीधा सीधा marks मिलेगा. समझ में आ रहा है ये? दोस्तों जितने correct करोगे, उसका सीधा सीधा marks मिलेगा. अब ध्यान से सुनो, उसने 3 गलत किए, suppose उसने x correct किए, 3 गलत किए हैं, ठीक है? तो उसके marks कितने आए? Marks उसके कितने आए? 75% marks आए, right? If she had attempted 5 more questions and made 1 mistake from this 5 question, तो can I say, उसने 5 questions ज्यादा किए और एक ही गलत किया है, तो उसने 4 और correct किए और एक गलत किया, तो अभी उसके incorrect 4 हो जाएंगे, correct उसके x plus 4 हो जाएंगे, क्या ये समझ में आया? और उसकी वजह से उसके marks कितने हो गए? 87.5% marks हो गए, 87.5% marks हो गए. तो गाइस, कैन आई से, यहां पे आपके 4 क्वेश्चन आपने ज्यादा किए तो आपके 12.5% मार्क्स बढ़ गए. तो दिस 4 क्वेश्चन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 12.5% मार्क्स. तो 100% क्या होगा? तो कैन आई से 12.5 8 जा 100 होता है, तो यहां पे 32 क्वेश्चन होने चाहिए. वी आर डन विद द क्वेश्चन, द आंसर शुड बी 32 क्वेश्चन. क्या ये समझ में आया दोस्तों? फिर से एक बार बताता हूं, ध्यान से सुनो, ये जो आखिरी पार्ट है ना, उसको एक बार फिर से बता देता हूं, ध्यान से समझो. देखो, उसने ये 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा किए तो उसके 12.5 मार्क्स आ गए. तो 12.5 मार्क्स लाने के लिए उसको 4 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो 100% मार्क्स लाने के लिए कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे? तो कहने से 32 क्वेश्चन करने पड़ेंगे. तो टोटल क्वेश्चन कितने होने चाहिए? 32 होने चाहिए. वी आर डन. यार ऐसे परसेंटेज के क्वेश्चन कैट में आते हैं, दिस इज टिपिकल कैट लेवल, मतलब जो सब कोई अटेंड करते हैं कि करता है. आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी, बट डेफिनेटली ये सबका सही नहीं होगा. ये सवाल सिर्फ वही लोगों का सही होगा जिन्होंने सही तरीके से इसको समझा है, प्रैक्टिस करी है, ठीक है ना? तो बिगिनर्स बैच में मैं आपको जो करवा रहा हूँ, फिर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे रहा हूँ. अब उत्ता करो और थोड़े से और क्वेश्चन खुद से रेंडमली प्रैक्टिस करो, फिर बाकी आप मॉक टेस्ट जब लिखोगे, सेक्शनल टेस्ट लिखोगे, अनेक भी काफी सारे और टेस्ट होते रहते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट हो गया कभी, तो ये सब में आपको और अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. कभी कोई टेलीग्राम ग्रुप पे आप फ्री बैठे हो तो उस पे चल रहा है, किसी ने परसेंटेज का क्वेश्चन पोस्ट किया, तो लेट इट बी रेंडम प्रिपरेशन, दैट्स फाइन. क्योंकि आपने स्ट्रक्चर काफी अच्छे से कर सेशन अटेंड किया यूट्यूब पे कल, फिर आज इसका प्रैक्टिस क्लास कर लिया आपने, तो सफिशियंट है यार, 40 क्वेश्चन तो आपने यहाँ पे कर लिए. चलो प्लीज ट्राई फॉर दिस. This is an easy question. इसको सब लोग सही से सॉल्व करना.
Sure. So Padma purchased a box of chocolates. Suppose there were 100x chocolates in the box. ठीक है? Right. She ate. So उसने कितने खाए और कितने दिए? And left. ऐसा एक बना देते हैं. उसे इसका 20% खा लिया तो 20x हो गया. अब बचे कितने खाने के बाद में? Can I say 80x बचे? तो 80x देने के बाद में अब उसमें से उसे 25% दे दिया तो 20x और दे दिया. अब कितने बचे? Can I say 60x बचा है? ठीक है. Again she ate 20% of that, तो इसका 20% 12x आएगा. बचे का कितना? 48x बचेगा. उसका 25% उसने वापस दिया तो 48x का 25% 12x ही आएगा, है ना? अब कितना बचा उसके पास में? दोस्तों 36x बचा है. Then she gave 8 chocolates to guest. तो ये 36x में से उसने 8 chocolate guest को दे दिए. Finally she is left with 35% of the chocolates. उसके पास जो total chocolates है उसका 35% बचा. तो दोस्तों इसको solve करेंगे तो x मेरा कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा. और हमें क्या पूछा है? How many chocolates did Padma eat? तो यहाँ पे उसने 32x खाए हैं. So 32x मतलब 32 into 8 करना पड़ेगा. तो ये कितना आ जाएगा? 256 आ जाएगा कि नहीं? तो आंसर इज ऑप्शन सी. सिंपल परसेंटेज कैलकुलेशन करना था आपको. ठीक है. ओके चलो. प्लीज ट्राई फॉर दिस. यहां पर देखो, इन अ कंटेनर हैविंग मिल्क 20% मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय वाटर. अब सुनो ध्यान से, अगर एक कंटेनर में मिल्क है दोस्तों, ठीक है, इसमें से अगर मैं 20% हटा देता हूं और वाटर से रिप्लेस करता हूं तो ये मिल्क कितना बचेगा? कैन आई से 20% मतलब 1/5? 20% मतलब क्या होता है? 1/5. सो 1/5 आपने हटा दिया तो बचा कितना? कहने से 4/5 लेफ्ट. क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? आपका 4/5 मिल्क बचेगा. तो हर बार जब आप 20% रिमूव एंड रिप्लेस करते हो ना दोस्तों, यू आर लेफ्ट विथ 4/5 ऑफ प्रीवियस. ठीक है. देखो, सपोज इनिशियली मिल्क पूरा है, मतलब 1 फ्रैक्शन है मिल्क का, तो फिर आफ्टर फर्स्ट ऑपरेशन वो क्या हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा. जो था उसका 4/5, आफ्टर सेकेंड ऑपरेशन जो था उसका 4/5 हो जाएगा, आफ्टर थर्ड ऑपरेशन वापस 4/5 हो जाएगा. तो बेसिकली मिल्क का फ्रैक्शन क्या होगा? मिल्क लेफ्ट विल बी इक्वल टू 64/125. समझ में आ रहा है ये दोस्तों? मिल्क जो आपका बचेगा ना, वो अगर टोटल 125 लीटर्स है तो अभी 64 लीटर मिल्क बचा. तो गाइस 64 इज व्हाट परसेंट ऑफ 125? ये आपको पूछा है. 64 इज व्हाट परसेंट ऑफ 125? समझ में आ रहा है ये सबको दोस्तों? हाँ, तो ये कितना आ जाएगा? 51.2% आ जाएगा. ठीक है दोस्तों, एक और तरीका बताता हूं. सुनो, अगर एक वैल्यू है 100,
उसको अगर मैं तीन बार 20% से रिड्यूस करता हूं तो क्या बचेगा? अगर मैं उसको तीन बार 20% से रिड्यूस करता हूं, ठीक है, तो पहले कितना आ जाएगा 80, फिर 20% से रिड्यूस करोगे तो कितना आ जाएगा 64। अब अगर मैं इसको 20% से 64 को 20% से रिड्यूस करूंगा तो इसका 12.8 होता है 20%, तो वो कम कर दो कितना आ जाएगा 51.2 नहीं आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इनिशियली 100 था, अभी 51.2 बचा, सो परसेंटेज वाइज 51.2% आपका मिल्क बचा है। समझ में आ रहा है ये दोस्तों? इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने थे, ठीक है? Right, there are few more questions which we'll discuss later on. Please try for this question. मैं इसके answers share कर देता हूँ, ठीक है? इसके answers मैं बाद में बताऊँगा, तो आप लोग attend करते रहना session. Okay, दोस्तों, that's it for today. Now see you today in the evening at 6 p.m. जो beginners batch है, उसका 6 बजे session रहेगा, ठीक है? तो मिलते हैं. Bye bye guys. Take care. Unacademy. Let's crack it.